हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग। तो आज हम गार्लिक के विषय में बात करेंगे कि आप इसे यदि घर के उपयोग के लिए उगा रहे हैं तो किस स्टेज में आपको इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, यानी उखाड़ लेना चाहिए। और यदि इसकी खेती आपने ज़्यादा पैमाने पर कर रखी है तो उसे बाज़ार भेजने के लिए किस स्थिति में आपको उखाड़ना है, इन दोनों चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो देखिए, क्योंकि मैंने अपनी यह गार्लिक सिर्फ घर उपयोग के लगा रखा है, तो ये गार्लिक मेरे लगभग साल भर उपयोग के लिए मैं घर पे स्टोर करूँगा। और ये इजीली आप भी कर सकते हैं। आपकी लहसुन या गार्लिक, जो भी जिस नाम से भी आप जानते हैं इसे, उसे ज़्यादा समय तक स्टोर कैसे करें, किस स्टेज पे आप उसकी हार्वेस्टिंग करें कि आपका लहसुन लगभग साल भर ख़राब ना हो। और यदि आपको डायरेक्ट अपने खेत से उखाड़ के उसे बाज़ार भेज देना है तो उसको उखाड़ने की एक दूसरी स्टेज होती है। ये तो चूँकि मैं अपने घर पे उपयोग के लिए उगाया है मैंने इसे, और चूँकि मुझे इसे साल भर स्टोर करना है, तो देखिए मैं इसे निकाल रहा हूँ। गार्लिक का साइज़ भी आप देख लीजिए, और इसमें गार्लिक में आप लास्ट पानी कब देंगे जिससे आपको एक अच्छे भंडारण क्षमता वाली लहसुन गार्लिक प्राप्त हो। तो इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, यदि आपने देखा है तो सही बात है, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, लगभग 6 बाई 6 लंबाई चौड़ाई 6 बाई 6 के एरिया पे ये लहसुन गार्लिक मेरा लगा हुआ है, जिसको मैं अभी हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे खीरे की कुछ पौध रोपित करनी है, और जिनकी पौध मैंने लगभग तैयार कर ली है तो मेरे पास जगह थोड़ा कम है, इस वजह से मैं इस लहसुन को जल्द से जल्द हार्वेस्ट कर रहा हूँ। और लगभग इतना ही एरिया मैं भी छोड़ दूँगा, क्योंकि वो गार्लिक मेरी अभी थोड़ा कच्ची है, क्योंकि मुझे बिक्री के लिए नहीं, सिर्फ इसे घर उपयोग के लिए स्टोर करना है, तो मैं उसे समथिंग अभी एक हफ्ते और रहने दूँगा। और इस साइड की गार्लिक मेरी लगभग पक के तैयार हो गई है, तो मैं इसे हार्वेस्ट किए ले रहा हूँ आज। तो देखिए, मेरे लहसुन का साइज़ भी देखिए, और इस पे किसी भी तरह की कोई बाह्य परत जो खोल है इसका ख़राब नहीं हुआ है बिल्कुल, और इसकी भंडारण क्षमता बहुत बेहतर होगी। लगभग साल भर ये लहसुन मेरा स्टोर रहेगा, ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। तो यदि आपको स्टोर करना है तो आप लगभग जिस कंडीशन पे मैं इस गार्लिक को हार्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कंडीशन पे आपको अपनी गार्लिक हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए। तो देखिए, यह गार्लिक मेरी लगभग पक के तैयार है, और लगभग साल भर उपयोग के लिए मैं इसे अपने घर पे सुरक्षित रखूँगा। हाँ, इसे सिर्फ आपको पानी से बचाना है, और पानी और नमी से। और अभी जैसे कि मैं इसे हार्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी इस पे जो सूखी पत्तियाँ, डंठल इत्यादि है, मैं उनको कुछ हद तक अलग कर दूँगा। इसका डंठल पूरी तरह से नहीं काटूँगा, क्योंकि उससे यदि मैं इसका डंठल काट दूँगा तो उसकी भंडारण क्षमता थोड़ा कम हो जाएगी महीने दो महीने। तो इसको मैं डंठल सहित स्टोर करूँगा, और इसको उखाड़ने के पश्चात अब छाया वाली जगह पर ही इसको कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दें, क्योंकि अब मौसम में किसी भी तरह की कोई नमी नहीं है। तो छाया में भी यदि आप इसे रखेंगे तो ये इजीली 1 हफ्ते 10 दिन में पूरी तरह से अच्छी तरह से सूख जाएगी, और सूखने के बाद ही आप इसे ऐसी जगह पर स्टोर करें जहाँ, यानी गर्मी का प्रभाव, मौसम थोड़ा कम गर्म रहता हो, जैसे ऐसी अंधेरी जगहों पे ही स्टोर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
जितना ही यह प्रकाश में और गर्मी के संपर्क में आएगा उतना ही जल्दी इसके सूखने का चांस रहेगा। तो 10 दिन समथिंग इसे सुखाने के पश्चात मैं इसे एक साफ़ सुथरी जगह में जहाँ नमी इत्यादि ना आए, तो पूरी तरह से सूख जाने के पश्चात, लेकिन ध्यान ये दीजिए कि इसको धूप में ना सुखाएं, आप छाया वाली जगह पे ही सुखाएं और 10 से 12 दिन आप इसे साफ़ करके यूं ही रख दें और फिर उसके बाद ही आप इसे स्टोर करें। तो स्टोर किस तरह करना है उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। तो देखिए, मैंने जितना गार्लिक मुझे लगभग हार्वेस्ट करना था मैं वह गार्लिक हार्वेस्ट कर चुका हूँ, और इधर का गार्लिक चूँकि अभी थोड़ा कच्चा है तो मैं इसे 10 दिन समथिंग बाद में हार्वेस्ट करूँगा। देखिए, मेरे लहसुन गार्लिक का साइज़ भी बहुत बेहतर बन के आया है, क्योंकि मुझे इसे सिर्फ घर के उपयोग के लिए ही लगाना था तो मैंने ये लगा रखा है। और देखिए, बिल्कुल साफ़ स्वच्छ, किसी भी तरह की कोई ख़राबी आपको इस पे देखने के लिए नहीं मिलेगा और साइज़ भी इसका बेहतर है। मैंने थोड़ा सा पौध इसकी दूर दूर रोपित की थी ताकि इसका साइज़ बेहतर बड़ा हो, क्योंकि मुझे इसकी बिक्री तो करनी नहीं है, सिर्फ घर उपयोग के लिए मैं इसे स्टोर करूँगा। और अंदाज़ा है कि समथिंग 12x6 के एरिए में मुझे 10 किलो लहसुन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इस लहसुन को डंडी सहित ही आपको स्टोर करना है, बस छाया में इसको रख के सुखाना है आपको 10 से 12 दिन। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो इसकी गठियाँ बना के आप बढ़िया छाया वाली जगह में, और हो सके तो अंधेरी सी जगह में इसे स्टोर करें तो ज़्यादा बेहतर इसकी भंडारण क्षमता आपको मिलेगी। देखिए, जो लहसुन मुझे हार्वेस्ट करना था वो मैं कर चुका, और इसी स्थान पे मुझे कुछ गर्मियों की सब्जियां लगानी हैं, जैसे खीरा, लौकी इत्यादि। तो इस वजह से मैं इसे जल्द से जल्द हार्वेस्ट कर लेना चाहता था। तो देखिए, साइज भी देखिए और लहसुन की चमक भी देखिए, इसमें किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं है। बेहतर जैसा आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं उसी तरह का लहसुन मेरे खेत में निकला हुआ। और इसको बस सफाई करके 10 दिन मैं छाया में सुखाऊंगा इसको अच्छी तरह से। देखिए, तो जितना गार्लिक मुझे हार्वेस्ट करना था, यदि आपको लंबी विस्तृत खेती आपने कर रखी है और आपको बाज़ार में इसकी बिक्री करनी है, तो देखिए इस स्टेज पे जब लहसुन आपका थोड़ा हल्का हरा हो तभी आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर चूँकि इसे मुझे, देखिए मैं एक पौधा आपको उखाड़ के भी दिखाता हूँ इसका, ये देखिए, इस तरह की स्टेज में आप इस लहसुन की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और रोज़ 1 से 2 दिन के अंदर इसे आप मार्केट में बिक्री के लिए भेज सकते हैं। तो चूँकि हमें इसे स्टोर करना है तो यह फसल अभी मेरे स्टोर करने के हिसाब से थोड़ा कच्ची है, तो मैं इसे अभी यूं ही 10 दिन के लिए छोड़ दूंगा। 10 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग करूंगा, क्योंकि इधर धूप थोड़ा कम आती है घर की वजह से, तो इसमें थोड़ा धूप कम लगती है, इस वजह से इसकी पकने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लेट है। और इस साल चूँकि बारिश ज़्यादा होती रह गई, इस वजह से लहसुन थोड़ा पकने में लेट, ज़्यादा समय ले ली है। देखिए, जो लहसुन मुझे हार्वेस्ट करनी थी वो मैं कर चुका हूँ, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए साफ़ ऑफ करके फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मेरी लहसुन हार्वेस्ट हुई। और साफ़ करने के बाद इसकी 2 से 3 गांठ बनाकर मैं इसे सूखने के लिए 10 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रखूँगा, और उसके पश्चात इसे साफ़ सुथरी और ठंडी जगह पे स्टोर करूँगा। और इसकी ऊपर की जो गांठ के अलावा जो छिलका है, यानी जो ऊपरी हिस्सा, उसे भी आप लगा रहने दें। वो लगा रहेगा तो भंडारण क्षमता उसकी ज़्यादा बेहतर होगी। यदि आप उसका ऊपर से पत्ता इत्यादि काट देते हैं तो उसकी भंडारण क्षमता महीने 2 महीने कम हो जाती है।
तो चूँकि मुझे इसे लंबे समय तक अपने घर उपयोग के लिए स्टोर करना है, ऑर्गेनिक घर पे उगाया हुआ बिना खाद और दवाई केमिकल का लहसुन, तो मैंने इसे लगभग हार्वेस्ट कर लिया है। आप भी इसी तरह हार्वेस्ट इस स्टेज पे आपको करना है यदि आपको घर पे स्टोर करना है, और यदि बिक्री के लिए देना है तो समथिंग जैसी इस हालत में ये लहसुन है, इससे 10 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग आपको कर लेनी चाहिए थी। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा लहसुन की हार्वेस्टिंग और स्टोरिंग के विषय में जो जानकारी आपको दी गई वो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए मेरी लहसुन ये जब 6x6 में लगी हुई थी, 12 स्क्वायर फीट में 6x6 के एरिया में, तो ये लगभग 5 से 6 किलो लहसुन है अंदाजन में। अब वजन तो चूँकि मुझे करना नहीं क्योंकि मैं घर के लिए इसका उत्पादन मैंने किया है। तो यही अपडेट था इसका, एक वीडियो कि आप लास्ट पानी लहसुन पे कम लगाएं तो उसका मैंने मेरे चैनल पे है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो मेरे घर लहसुन की गार्लिक की हार्वेस्टिंग पूरी हो गई है, इधर का लहसुन थोड़ा भी कच्चा है, इसलिए मैं इसे 10 दिन बाद हार्वेस्ट करूँगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो ऐसा यदि आप भी लहसुन की खेती करते हैं तो स्टोरेज के लिए जो मैंने बताया आप वह नियम अपना सकते हैं, इससे आपका लहसुन ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहेगा। थैंक यू, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।